हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एमएस स्टडी फॉर सीबीएसई पैटर्न। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6, द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो इस चैप्टर में देखिए जो ट्रायंगल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो वहां जाकर उसको देख सकते हैं, देख लेंगे तो आपको आगे की वीडियोज को समझना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यानी कि जो भी एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, उसका मेजरमेंट जो है वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, इसके लिए ये पूरा एंगल यानी कि एक्स प्लस वाई जो है एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल जो है 1 + 2 के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और एंगल ए सी डी, ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो ट्राइंगल ए बी सी और एंगल ए सी डी आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, और हमें शो क्या करना है, एंगल ए सी डी यानी कि जो हमारा एंगल एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी, वो हमारा इक्वल्स टू है एंगल ए प्लस एंगल बी। बिकॉज एंगल्स ही इसके साथ ही है, ये वाला एंगल हमें नहीं यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, अपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहां पर। थ्रू सी, ये जो आपका सी पॉइंट है, इससे हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है, इसने हमें क्या किया है, ड्रॉ सी ई, इसको नेम दे देते हैं ई, सी ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, सी ई जो है वो ए बी के क्या है, पैरेलल। अगर इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये एकदम साफ दिखाई देगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो एंगल वन जो है हमारा, यानी कि ये वाला एंगल वन हमारा किसके बराबर है, एंगल एक्स के बराबर है। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि ए बी जो है वो सी ई के पैरेलल है, और जब ये पैरेलल है तो ए सी ट्रांसवर्सल हो गई और ये जेड बना रहा है, तो ये क्या हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये एंगल भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है चैप्टर 5 की लाइंस एंड एंगल्स में। आप वहां जाके अल्टरन टाइप्स ऑफ एंगल्स मेड विथ ट्रांसवर्सल, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि जब टू पैरेलल लाइंस और एक इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो किस किस टाइप के एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एंगल वन और एंगल एक्स आपस में बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए एंगल टू जो है वो एंगल वाई के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ए बी और सी ई पैरेलल लाइंस हो गई और बी सी हो गई यहां पर ट्रांसवर्सल, तो इस वाली लाइन में एंगल टू और इस वाली लाइन में एंगल वाई, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड।
Now adding equation first and second, दोनों को हम ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई. ठीक है, अब एंगल वन जो है हमारा एंगल एक्स है. ठीक है, तो यहां पर क्या रख देंगे हम एंगल एक्स प्लस इसको एंगल टू जो हमारे लिए वो एंगल वाई है इज इक्वल्स टू, यानी कि अभी ये दोनों मिला के हमारे क्या बनेंगे एक्स प्लस वाई एंगल ए सी डी. ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं कि देखो एक्स प्लस वाई हमारा एंगल ए सी डी भी है और वन प्लस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई ये दोनों, तो इन दोनों के क्रॉस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी. ठीक है, वह फिर से इन इक्वेशन को देख लीजिए, एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल एक्स है और एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल वाई है. तो जब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है और एंगल एक्स प्लस वाई जो हमारा वो एंगल ए सी डी है, जो कि हमने यहां से देखा एक्स प्लस वाई करेंगे तो ए सी डी मिलेगा. इट मीन्स ये दोनों आपस में जब क्रॉस क्रॉस इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो हमें मिल गया एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी. ठीक है, सो नाउ यू कैन से दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ओके, आई होप आपको ये जो थ्योरम है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अब इसे आप इजिली प्रूव कर सकते हैं. तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए. थैंक यू.